नहर के पानी से सिंचाई कर धान का उत्पादन करते हैं। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया गया। यह पानी एक साथ दिया जाता है, जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वहां आसानी से धान की उपज हो सकती है। किंतु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, खेसारी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि नहीं हो सकती हैं। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया, बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूं, चना, अलसी, खेसारी आदि की खेती छोड़ दी। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाखड़ी आदि फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाए गए कदम से गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया। किंतु आज यहां के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी मौसम में चना, खेसारी, गेहूं, अलसी आदि की खेती चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी, अलसी आदि की फसल बोते थे, जिससे भूमि की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। चना, खेसारी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में सहायक होती है। आज खरीफ और रबी मौसम में धान बो रहे हैं, जिससे उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। पहले खेतों में मछलियां होती थी, जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। लोग खेतों से मछलियां पकड़कर उसे सुखाकर उसका सेवन लंबे समय तक करते थे। लेकिन आज खेतों से मछलियां तो क्या, केचुए भी गायब हो गए हैं। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाना पड़ता है, जो सबके पहुंच में नहीं है। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती नहीं कर सकते हैं। किंतु पहले ऐसा नहीं था। वे गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जो अग्रांकित हैं। विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान 99% सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहां के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83%
कर टैक्स लिया जाता है। इससे इनके कृषि उत्पाद महंगे होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते हैं, किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेर फेर कर दी जाती है, ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, पौध पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग $5 बिलियन राशि का निवेश हो गया है। इस उत्पाद में लगे फर्म 4-5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर देते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई थी, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्मों जैसे एलाइड, साइनामिड, शेवरोन, डुपोट, सिबागिगी आदि ने खरीदकर एक पक्षीय एकीकरण कर लिया है। परिणाम यह हुआ है कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता। अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी से उर्वरक और कीटनाशक खरीदना पड़ता है। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।